हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी हमारा सारा घर का काम करने के बाद स्नान हो गया है। स्नान करने के बाद अभी पीतल वाले बर्तन मांज रही थी, क्योंकि पीतल वाले मैं डेली मांजती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी लेकर हमेशा मांज लेती हूँ ताकि शुद्धता हो जाती है पीतल वाले बर्तन की। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अभी सुबह का टाइम है और आज है सोमवार और मेरी पूजा वगैरह हो गई है, तो चलते हैं थोड़ा सा, अभी बहुत सारा काम, अभी चलते हैं गर्मा गर्म चाय बनाएंगे, पियेंगे चाय और थोड़ा सा बालों को ना आज कटिंग करनी है, थोड़ा सा काटूंगी, पार्लर नहीं जाएंगे पर घर पर ही थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि बहुत लंबे हो, मतलब नीचे में ना बहुत पतला हो गए हैं, तो थोड़ा सा छांटना है मुझे बालों को। स्नान करने से पहले कपड़े ज़रूर धो कर रख लेती हूँ, क्योंकि स्नान करने के बाद फिर धोने का मन नहीं करता है, फिर रह जाएगा, फिर कल सुबह मुझसे होगा, इसलिए सबसे पहले स्नान करने से पहले कपड़े ज़रूर मैं धो लेती हूँ। मेरे घर में वॉशिंग मशीन है नहीं, तो हाथों से ही कपड़े को धोती हूँ, तो थोड़ा स्नान करने से पहले ही मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही जब धोने लगती हूँ ना कपड़े, तो मैं पूरा भींग जाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही सारे कपड़ों को धोकर रख लेती हूँ। इसके बाद स्नान करने के बाद फिर कभी भी पसार देती हूँ। और अभी मौसम बहुत ही अच्छा किया हुआ, सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा मौसम कर रहा है इधर, तो चलिए कपड़े पसारते हैं, इसके बाद मिलते हैं। रसोई रूम के पर्दे थे वो भी मैंने आज धो डाले हैं, गंदे थोड़े लग रहे थे मुझे, तो रसोई रूम के सिर्फ पर्दा धोई हूँ। सारे पर्दे तो मैंने धो दिए थे, तो एक महीना चल जाएगा। पर्दे मैं जल्दी जल्दी नहीं धोती हूँ, बेडशीट की तरह, बेडशीट है ना कि दो रोज़ पर तीन रोज़ पर धुल जाता है, लेकिन पर्दे महीना दिन लग जाता है, महीना दिन के बाद ही धोती हूँ। सुबह का टाइम, इस टाइम जो चाय वाली टाइम होती है ना, तो थोड़ा सा टाइम मुझे मिलता है 5-10 मिनट, तो 10 मिनट के लिए मैं अखबार वगैरह पढ़ लेती हूँ और फिर चाय बनाने आ गई, तो चाय भी बना लेते हैं। जब चाय बना रही थी तो लाइन भी इसी टाइम कट गया, तो अंधेरा लग रहा है, तो चलिए आ जाइए फ्रेंड्स चाय पीने हमारे घर की। तो ये 2 कप है, मैं और हस्बैंड जी ही पियेंगे, और घर पर अभी छोटा वाला बच्चा चला गया है, स्कूल भेजा दी हूँ, और मैं बच्ची, हस्बैंड जी हैं, बड़ा वाला बच्चा है, तो अभी बड़ा वाला बच्चा बाहर गया है थोड़ा फल लाने, तब तक मैं चाय पानी पी लेते हैं। और अभी थोड़ा सा लेट से मेरे हस्बैंड जी भी स्नान हो गया है और
पूजा वगैरह करने के बाद वो भी बैठ जाते हैं। इस टाइम दोनों पूजा करते हैं, हस्बैंड जी भी वाइफ मैं भी, तो दोनों की पूजा पाठ होने के बाद बैठ जाते हैं आराम से। इस टाइम ना घर पर रहते हैं हस्बैंड जी, तो चाय पानी हस्बैंड जी के साथ ही होता है। तो फल का लीची का सीजन है, आम का सीजन है, तो दोनों भरपूर ही आता है घर में। जैसे कि जिस चीज़ का सीजन हुआ उस चीज़ मज़े से हम लोग खाते हैं। तो अभी बड़ा वाला बच्चा लेकर आ गया है और रख दिया यहाँ पर और चला गया है एक्सरसाइज करने, तो उसी से बातें अभी कर रही हूँ और हंस रही हूँ। इस टाइम चलता है ये सब चीज़। क्या चीज़ कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा कर लो एक्सरसाइज, जल्दी करो और खाओ। अभी एक्सरसाइज ही कर रहा है। एक्सरसाइज करने के बाद लीची आया है, लीची खाएगा, इसके बाद नाश्ता बना जा रहे हैं, नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ता खाएंगे। खाना खाना नहीं बनेगा, नाश्ता बनेगा। अभी नाश्ता बनेगा, नाश्ता कैसे बनाएंगे? नाश्ता में क्या चीज़ बनाए? बनाइए जो बनाना है। क्या चीज़ बनाए? कुछ बनाइए ना जो बनाना है। जा रहे हैं बनाएंगे। क्या चीज़ बनाए? सब्जी वगैरह नहीं है। कुछ लाना जाए तो दे लाने को। हाँ? तो लाने का तो पैसा लाने के लिए उसको। हरा सब्जी नहीं है। तो बाजार गया था ना, तो उसमें दे देता है। तो अभी नाश्ता बनाने के लिए सोच रही थी लेकिन खाना बना दिया, क्योंकि चावल और कढ़ी बना रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सुबह सुबह ही बना लेते हैं। और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मुझे जाना है कहीं, तो खाना ही बना लो, नाश्ता खाने का मन नहीं था, मतलब रोटी खाने का मन नहीं था, नाश्ते में तो रोटी ही बनता है। तो फिर चावल बोले कि चावल ही बना दो और चावल ही खा के जाएंगे, तो उनको काम पड़ गया। तो अभी चावल झटपट बना देते हैं और दे देते हैं हस्बैंड जी को। और सब्जी फिर सब्जी हरी सब्जी थी नहीं घर पर, तो लौकी लेकर आ गए हस्बैंड जी, तो उसका सब्जी बना देते हैं फटाफट। तो चलिए फटाफट ही परोस दिया हस्बैंड जी को लौकी की सब्ज़ी और कढ़ी और चावल और हरी मिर्च। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और इसके बाद खाना खाने के बाद आपको मैं एक बहुत ही अच्छा बताने वाली हूँ, घर पर ही हम बालों को कैसे काटें, क्योंकि हम पार्लर में जाते हैं पैसा वगैरह ही फालतू मतलब लग जाते हैं, जो कि बहुत काटना आसान होता है। अगर डिज़ाइनदार काटें डिज़ाइन में तो जा सकते हैं पार्लर, अच्छा है। लेकिन सिंपल सा बालों के लिए भी पार्लर चले जाएं, ये तो घर पर भी हम लोग कर सकते हैं। और अभी हर्षराज ट्यूशन से आ गया है तो वही अभी बाल उससे बात हो रही है। और पता है बालों को ना बहुत ही आसान है कटिंग करना, सिंपल सा। और मेरे बाल बड़े हैं लंबे हैं, तो थोड़ा सा नीचे में ना थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा हो गया है, और जैसे कि नीचे में ना पतला लगता है, जो कि वीडियो में देखती हूँ तो मुझे अच्छे नहीं लगते अपने बाल, थोड़ा सा लंबे ज़्यादा लगते हैं। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा लंबे ठीक है, क्योंकि मुझे ना लंबे बाल ही पसंद है। तो आप इस तरह से काट लें आराम से, जिस तरह से मैं बहुत ही अच्छे से मैं इस वीडियो को दिखाई हूँ काटते वक्त, कि किस तरह से कटेगा कि बराबर हमारा हो जाएगा बाल, अगर बराबर आपको करना हो तो। अगर डिज़ाइन करना हो तो भाई पार्लर में जा सकते हैं। तो मैं बस आसान सा आप लोगों को बताना है यहाँ पर, कि अगर बराबर कटना है थोड़ा सा काटना है नीचे, तो आराम से घर पर ही कट जाता है। इस तरह से काटे बराबर, पूरा अच्छी तरह से बराबर कटता, आप लोग देख लो, ये देखिए है ना बराबर लग रहा है या नहीं। तो इस तरह से, और मैं कोई कटिंग नहीं करती हूँ बालों को, अभी किया नहीं है कभी, और सिंपल से बाल मैं रखती हूँ, और लंबे बाल मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं बाल को लंबे ही रखती हूँ, ज़्यादा मैंने काटा नहीं है, थोड़ा सा काटा है, ताकि ये जो
पतले पतले वाले निकले हुए रहते हैं ना, तो वो थोड़ा ना रहे, अच्छा लगे देखने में। तो चलिए वीडियो को यहीं एंडिंग करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, गुड डे।